बात करते हैं। मेरा नाम मनीष है। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। सो बुक रीडिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है कि काफी लोग जो है सोने के लिए यूज करते हैं बुक, या तो कुछ लोग को सोते सोते मतलब बुक पढ़ते पढ़ते नींद आती है। सो आपको मैं एक चीज कुछ चीज मतलब बताना चाहता हूँ कि आपको बिल गेट्स मालूम है, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। बिल गेट्स तो मालूम है, हाँ बिल गेट्स मालूम है क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर्स बनाते हैं। वॉरेन बफेट जो है दुनिया के टॉप 10 जो अमीर लोग हैं उसमें उनका नाम आता है। कुछ साल बिल गेट्स थे नंबर 1 पे, कुछ साल वॉरेन बफेट थे, और वॉरेन बफेट जो है काफी अमेजिंग इंसान है। शेयर मार्केट की बेसिस पे उन्होंने काफी इनकम कमाया काफी कम उम्र में। सो उनको एक क्वेश्चन किया गया दोनों को, हालांकि दोनों एकदम खास दोस्त है। उनको क्वेश्चन ये किया गया कि आपको एक सुपर पावर दी जाए तो वो क्या होगी। तो उन दोनों का एक ही जवाब निकला कि मैं बुक्स जो है एकदम फास्ट कैसे पढ़ू, क्विक कैसे पढ़ू, वो अगर मुझे सुपर पावर मिले तो हम धन्य हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी मतलब ये आंसर से ही आपको पता चलेगा कि वो जो दोनों हैं या जितने भी अमीर लोग हैं वो बुक्स रीडिंग करते हैं। उनका ज्यादातर टाइम जो है बुक रीडिंग में जाता है, और हमारा किस में जाता है, मोबाइल में शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, राइट, छोटे छोटे वीडियोस देखने में, यूट्यूब देखने में हमारा टाइम जाता है, हमारा टाइम बुक्स पढ़ने में नहीं जाता है। जितने भी मतलब अमीर लोग हैं वो ज्यादातर बुक्स पढ़ते हैं। अभी इसमें से कुछ क्या होता है, ऑलमोस्ट 60% लोग जो है सोचते हैं कि हाँ हम बुक पढ़ेंगे, और बुक पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम बुक जो है मतलब आधे ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी होता है। ओके, ये काफी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ और मेरे साथ भी होता है कि बुक्स पढ़ने शुरू करता हूँ और आधे में मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अभी मैंने वो मेरी जो आदत है वो छोड़ दी है मैंने, और कोशिश करता हूँ कि बुक जब लिया तो पूरा एंड ही करना है उसको। और कल ही मैंने सूर्यपुत्र करण ये कंप्लीट किया है, और मैं रात को बहुत रो रहा था वो बुक पढ़ा तो। और ऐसा अमेजिंग बुक है, आप भी पढ़िए, सूर्यपुत्र करण, कर्ण बेसिकली, करण अर्जुन वाला कर्ण नहीं बाय द वे, महाभारत वाला कर्ण, और कर्ण के ऊपर वो बुक है, और काफी अमेजिंग बुक है। उसका एंड जो है काफी लोगों को ये करेगा कि ऐसा कर्ण के साथ क्यों हुआ करके, और कर्ण के ऊपर कर्ण कर्ण जो है उनसे इंस्पिरेशन आप ले सकते हो काफी सारी चीजें। उनका मैं एक ये बताना चाहूंगा, आप आज बुक का सब्जेक्ट है इसलिए कि कर्ण जो थे वो राजपुत्र नहीं थे, वो जो क्या बोलते हैं, रथ होता है, रथ का जो ये करने का जो काम होता था, उसका जो टूटा फूटा वो ठीक करना वो जो काम होता था वो बेसिकली उनके पिता करते थे, जो जो कि उनके उनके पिता को वो गंगा में मिले थे, ऐसे वो पिता थे। तो उनको वो ताना मारा जाता था बार बार, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। हाँ, सत सतु सत पुत्र, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा था, सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत पुत्र थे, वो वर्ड अभी याद नहीं आ रहा था मुझे, सूत पुत्र थे। अभी मैं सूत पुत्र क्या है ये बताने के लिए भी मैंने वो बताया कि बेसिकली जो जैसा हमारा गाड़ी का गैरेज होता है वैसे वो रथों का जो गैरेज होता था उनके वो हेड थे उनके पिता। उनको ये समझ में नहीं आता था कि अभी मेरी लाइफ में क्या है, मतलब उनको एक उन्होंने एक ये भी जीता था, और वो उसके राजा भी बने, लेकिन उनको सब लोग राजा नहीं बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, दान करना शुरू किया। अभी वो दान कैसे करते थे मालूम है,
वो गंगा नदी के पास देखते थे और वो पूछते थे कि किसी को कुछ चाहिए क्या, तो कौन है पीछे वो नहीं देखते थे, और वो गंगा नदी का पानी जो है वो छोड़ते थे और फिर बोलते थे मैंने आपको दे दिया, अभी बोलो आपको क्या चाहिए। और उसके बाद जो है उनकी जो प्रजा है या कोई भी हो, उनका वो दुश्मन हो या कोई भी, वो बोलता था कि हाँ आप ये मुझे चाहिए, और वो देते थे। और उसी का नतीजा कि भगवान इंद्र ने उनसे वो उनका सूर्य कवच जो था बॉडी का वो मांगा था, और उन्होंने वो भी दिया था। सो ऐसे महान पर्सनालिटी थी कर्ण। आजकल हम दूसरों को देते समय हम सोचते हैं कि मैं इसको क्यों दूँ। एक मेरे साथ ही एक किस्सा हुआ। एक पर्सन है, वो पर्सन ने पर्सन के पास कुछ तो ये है, मतलब इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो मैंने बोला कि आप मुझे भी बताओ ये आपने कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकती। तो मुझे काफी दुख हुआ उस बारे में कि लोग अपना ज्ञान जो है वो शेयर करना नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये मैं उनको बताऊंगा तो ये मेरे इससे आगे निकल जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर भगवान श्री कृष्ण है या आज गणेश है, तो गणेश जो है या जो भी हमारे धर्म गुरु है, उन्होंने अगर ज्ञान बांटा नहीं होता तो आज बढ़ता नहीं था, राइट? तो जैसे हम हमेशा ज्ञान बांटा करो। सो बैक टू बुक रीडिंग, बुक में और एक बात बताता हूँ कि हम श्री कृष्ण ने वो इसमें ये बुक में और एक चीज बताई थी कि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह ने बताई थी, जब वो मर रहे थे तो कर्ण को बोला गया कि कर्ण कर्ण हालांकि उनको देखने गए थे और उनके पैर के पास थे, तो भीष्म पितामह ने बोला कि कौन अर्जुन है क्या, तो नहीं बोले मैं कर्ण हूं, तो बोलते इधर आओ। और उनके कान में क्या बोला उन्होंने कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम जिसके संगत में थे ना उसकी वजह से तुम बुरे बने, नहीं तो हो तुम अच्छे। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि हम कौन से 5 लोगों के साथ रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं, या फिर उनके उनके इसमें हमें ऐड किया जाता है। अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आपको लगता है कि आप गलत संगत में हो, या तो आप चेंज करो खुद को। अगर आप अपने फ्रेंड्स को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली को चेंज नहीं कर सकते, तो एक चीज आप जरूर कर सकते हो, आप अच्छे बुक पढ़ सकते हो। अच्छे बुक्स पढ़ोगे तो वो जो ऑथर है या फिर वो जो बुक्स का कैरेक्टर है वो आपके साथ रहेगा। और हमेशा याद रखिए कि आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है तो अच्छे बुक्स पढ़ना है। तो अच्छे बुक्स पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसका ज्ञान जो है वो आपको मिलेगा और आप में कुछ तो बदलाव आएगा। मैं सीरियसली वो जो मुझे काफी लोगों ने वो बुक के बारे में बताया था कि वो बुक पढ़ते हैं तो एंड में जो है श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसा सोचते हैं और लोग सीरियसली रोते हैं। मुझे लगा मैं नहीं रोऊंगा, मुझे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं नॉर्मल था लेकिन मेरी आंखों में से पानी आ रहा था। ऐसा अमेजिंग बुक है, आप जरूर पढ़िए वो। और श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया ऐसा क्वेश्चन आता है, और वो अलग पार्ट है कि वो क्यों है क्या है, आप बुक पढ़े तो आपको समझ में आएगा। सो बुक रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप अगर उदास हो, डिप्रेशन में हो, तो अच्छे बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, तो आप उसमें से बाहर आ सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ता है। आप जैसा आपका जैसे अभी आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? न्यूट्रिशन खाते हैं, शेक पीते हैं, तो हमारा इंटरनल हेल्थ का एक्सरसाइज होता है। बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। सो हमारा मेमोरी भी बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारी सुबह भी अच्छी रहती है। आप सुबह पढ़ोगे तो सुबह आपको अच्छा होगा, और रात को पढ़ोगे तो रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता है, और फिर आपका जो दिन है अच्छा जाता है। तो ये था बेसिक बुक रीडिंग का इम्पोर्टेंट। आई होप आपको मैंने बेसिक एग्जाम्पल देके मैंने ये समझाया है। और बुक्स से मतलब आज आज आपके सामने जो भी मैं
कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो इसी का पार्ट है कि मैं काफी नॉलेज ग्रैप करता रहता हूँ और हमेशा टीचर नहीं पर स्टूडेंट बनता हूँ मैं। जब भी आप स्टूडेंट बनते हो ना तब आप सीखते हो, और जब आप टीचर बनते हो तो आप सीखते नहीं, आप लोगों को सिखाते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सो ये था आज का पार्ट।